हेलो व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो है कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन तीनों की वैल्यू जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वहां से लिखनी है या वहां से आपको देखनी है। तो जैसे कि ये टेबल है, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, क्या इजी मेथड है जिससे कि हम इस टेबल को बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू को याद रखना इजी नहीं है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कॉस 45 डिग्री की वैल्यू। कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। नेक्स्ट वैल्यू sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री इज 2/√3। sec 30 डिग्री इज 2/√3। और लास्ट cosec 30 डिग्री इज 2। cosec 30 डिग्री इज 2। ये थ्री वैल्यू को हमें इसमें यूज करना है। तीनों वैल्यू टेबल से चेक कर लिया, नाउ हम इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो cos 45 1/√2 डिवाइड बाय sec 30 2/√3 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में सिर्फ सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में टू टर्म है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दें। वन न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं सॉल्व करेंगे, एज इट इज राइट किया। डिनोमिनेटर में हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो टू के डिनोमिनेटर में वन कुछ नहीं है, तो आप वन राइट करेंगे। और रूट थ्री और वन का एलसीएम है √3, तो √3 टू के डिनोमिनेटर में। यहाँ हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, टू एज इट इज राइट कर देंगे, लेकिन इसके डिनोमिनेटर टू के डिनोमिनेटर में वन है, और जो कि हमें डिनोमिनेटर √3 बनाना है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल करेंगे तभी √3 डिनोमिनेटर बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। अब ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड में है, हम इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीपल में कैसे चेंज करते हैं। न्यूमरेटर का फ्रैक्शन को हमने एज इट इज राइट किया, मल्टीपल साइन। इस फ्रैक्शन को हमें रिवर्स लिख देना है। रिवर्स मीन्स जो न्यूमरेटर है उसको हम बनाएंगे डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको बनाएंगे न्यूमरेटर। तो ये हो गया √3 डिवाइड बाय 2+√3। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × √3 इज √3। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, पहले साइन, प्लस प्लस प्लस, 2 × √2 √2, अगेन प्लस प्लस प्लस, 2 √3 × √2। अब यहाँ देखो हम दो नंबर्स, दो इरेशनल नंबर को या दो रूट नंबर को कैसे मल्टीपल करते हैं, तो √a × √b होता है, √a × b। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो √2 × √2 × √3 हो जाएगा √2 × √3 √6। यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर या रूट में नंबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हम एक मेथड लेते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहां पे आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मेथड है √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 2√6। रैशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। साइन यहाँ पे प्लस है, तो हम सेम नंबर को अपोजिट है, प्लस के माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम किसी भी रूट के नंबर को स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट वहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो √3 को मल्टीपल करना है इस ब्रैकेट से, और डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी से उसको ओपन करना है। तो √3 × 2√2, अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया √a × √b · √ab, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 आया, 2√6 माइनस 2√3 × √6, तो 6 × 3 √18।
डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर टू रूट टू स्क्वायर, सेपरेट कर देंगे स्क्वायर को टू के साथ, स्क्वायर इंटू रूट टू स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, तो फोर इंटू टू हो जाएगा एट, एट माइनस सेम डिनोमिनेटर में टू इंटू टू फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते, न्यूमरेटर हो गया टू रूट सिक्स माइनस टू, अब यहाँ पे देखो रूट एटीन मे बी इसमें से नंबर रूट से बाहर आ जाए, तो कोई नंबर रूट से कैसे बाहर आएगा, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एटीन के फैक्टराइज करेंगे, एटीन को फैक्टराइज करना है, एटीन टू के टेबल में एटीन, टू के टेबल में आएगा नाइन टाइम, फिर थ्री के टेबल में नाइन थ्री थ्री वन, तो एटीन के फैक्टर है टू इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइड बाय एट माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन, तो जो नंबर की रूट में पैरिंग हो जाती है, जहाँ पे पैरिंग मतलब कि वो नंबर दो बार आ जाता है, तो उसमें से एक नंबर रूट से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर उसमें से एक नंबर को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया टू रूट सिक्स माइनस रूट से बाहर थ्री आएगा, तो टू इंटू थ्री इंटू, अब रूट में सिर्फ रह गया टू डिवाइड बाय माइनस सिक्सटीन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, टू रूट सिक्स सेम है, थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स, टू रूट सिक्स माइनस सिक्स अंडर रूट टू डिवाइड बाय माइनस सिक्सटीन, अब यहां पे देखो न्यूमरेटर से टू कॉमन आ रहा है बट डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन को नहीं रखते हैं, तो न्यूमरेटर से आप माइनस टू कॉमन ले लीजिए, माइनस टू कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये इसको हम लिखेंगे माइनस रूट सिक्स और ये बन जाएगी प्लस थ्री रूट टू डिवाइड बाय माइनस सिक्सटीन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टू से सिक्सटीन कैंसिल एट टाइम, तो आंसर इज थ्री रूट टू माइनस अंडर रूट सिक्स बाय एट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल याद रख सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं बनाने आएगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं पता हम उसको पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, थैंक यू।